आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केसेस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। अदालत का अपोजिशन लीडर को रिहा करने का हुक्म। दो रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। रमजान शुगर मिल्स के अलावा कोई स्कीम बनाई? जस्टिस शहजाद का इस्तफसार। दीगर इलाकों में भी ऐसी स्कीम्स बनाएं? वकील शहबाज शरीफ। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ का फिजिबिलिटी के दस्तावेजात बारे इस्तफसार। सारा रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, वकील का जवाब। अदालत ने 1 करोड़ के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ कहीं बदनीयती साबित नहीं हुई। जमानत मंजूर होने पर लीगी कारकुनों की दुआएं। हाईकोर्ट में लीगी रहनुमाओं का जश्न। कायद के हक में नारेबाजी, मिठाई तकसीम। नसीराबाद दफ्तर में भी खुशियां। परवेज मलिक कहते हैं शहबाज शरीफ ने सब्र से रिहाई के लिए जिद्दोजहद की। पार्टी कारकुनों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। ख्वाजा इमरान नजीर की मुखालफिन पर चढ़ाई। बोले शेख रशीद जिस शेर से डरते थे वो आजाद हो गया। IMF पास जाने पर हुक्मरान डूब मरे। PTI थूक कर चाट रही है। पिंडी का शैतान और वो दूसरा पिंडी का छोटा शैतान जिसने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना वीडियो पैगाम दिया है और उसने कहा है मैं आप मीडिया के साथियों के तवसत से फयाजुल हसन चवल साहब को चौहान साहब को। शहबाज शरीफ की जमानत हुई रिहाई नहीं। नून लीग के कारकुनों पर हैरान हूं जो लुडियां डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत पर पंजाब के वज़ीर इत्तला'आत फयाजुल हसन का रद्द अमल। खुदा का शुक्र है कि सच सामने आ गया। एक बार फिर सच की जीत हुई। पहले ही कहा था कि मुकदमात झूठ की बुनियाद पर हैं। अदालतों के सामने पेश हुए और होते रहेंगे। एहतसाब जरूर करें लेकिन सबका एहतसाब हो। अगर एक पाई की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत से किनारा कशी कर लूंगा। शहबाज शरीफ का हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ की जमानत। मियां महमूद रशीद नैब पर बरहम। कहते हैं जब सबूत मुकम्मल नहीं थे तो नैब ने गिरफ्तार क्यों किया? नैब को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अदालतों का निजाम सबके सामने है। प्रोसिक्यूशन को बहुत मजबूत होना चाहिए। अचानक बाल स्कैंडल। नैब का हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अदालत का फैसला मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। नैब जराए। साफ पानी कंपनी केस में भी नैब का हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। नुकात तैयार। फवाद हुसैन फवाद के आशियाना केस में जमानत मंजूर। आमदन से ज्यादा सासाजात में जमानत मुस्तरद। जायदाद ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के रिमार्क्स। हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आमदन से ज्यादा सासे चौधरी बरादरान के खिलाफ नई फाइल खुल गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में बड़े फैसले। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 3 केसेस में तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब को चौधरी बरादरान के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। जराए का दावा, मुश्तरका तहकीकाती टीम इंक्वायरी करेगी। कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन। लीगी रहनुमाओं की कोर्ट लखपत जेल आमद। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, यूसुफ अब्बास, बेगम शमीम की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क में आने वाली तब्दीली सबके सामने है। सऊदी हुकूमत जो पैकेज पाकिस्तान को दे रही है ये हमारे दौर में तय हुआ। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी गवाह हैं। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सिफर है। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बहुत जल्द जेल की दीवारें टूट जाएंगी और नवाज शरीफ बाहर आएंगे। हम नवाज शरीफ की मोहब्बत में वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्ला खान की जेल के बाहर गुफ्तगू। तलाल चौधरी बोले सिलेक्टेड वजीर आजम किसी को छुट्टी नहीं दे सकता। NRO क्या देगा? हुकूमत डील और NRO के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहती है। रियाज सादिक ने कहा 45 रोज गुजर जाने के बावजूद नवाज शरीफ का मुकम्मल इलाज नहीं किया गया। वजीर इत्तला'आत फयाजुल हसन चौहान पर जादू हो गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मेरे दफ्तर से हड्डियां बरामद हो रही हैं। अगर कोई दम करता है तो हमें भी दम आता है। अल्लाह ने हमें जो कुछ दे रखा है हम अपनी नस्लों को पालने नहीं आए। जिसका फंड होगा उसी शोबे पर खर्च होगा। अल्हम्रा में मुन्नू भाई की याद में तकरीब से खिताब।
और बारात आएगी, बैंड बजेगा, शादी हॉल खुल गए, मेयर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, तमाम शादी हॉल फौरी तौर पर खोल दिए जाएं। इजलास में बड़ा फैसला, नादिया घी मिल के 17 शादी हॉल्स, आमिर रोड शादबाग के 7 शादी हॉल खोलने का हुक्म, शादबाग में 3 शादी हॉल डीसील कर दिए गए।